हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को जल परागण के बारे में बताएंगे, तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जलीय पौधों में पुष्प जल के ऊपर खिलते हैं, अतः उनमें बहुधा कीट परागण होता है। तो जो पौधे जल में उगते हैं परंतु जल के ऊपर उनके फूल या पुष्प खिलते हैं, तो उनमें लगभग कीटों से ही परागण या पॉलिनेशन होता है। यानी जल में तो उगे हुए हैं, लेकिन चूंकि जल के ऊपर हैं इसलिए उनमें परागण कैसे होता है? कीटों के द्वारा ही पॉलिनेशन होता है, या कीटों के द्वारा ही परागण होता है। लेकिन आपको बता दूं, यहाँ पर इसके विपरीत अनेक पौधों में पुष्प व उनके जनन भाग जल साधन द्वारा ही परागण की क्रिया करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि बहुत से पौधों में जल द्वारा ही परागण होता है, या जल द्वारा ही पॉलिनेशन होता है। तो जिनमें जल द्वारा परागण होता है, बहुधा पुष्प जल के अंदर जिस तल पर रहते हैं, परागकण अपने घनत्व के कारण उसी तल पर तैरते रहते हैं, तथा मादा भागों के संपर्क में आकर परागण संपन्न हो जाता है। तो आपको बता दूं कि जिन पौधों में जल द्वारा परागण होता है, वे पौधे पानी में जिस तल या सरफेस पर होते हैं उसी तल पर परागकण भी तैरते रहते हैं, पॉलन ग्रेन्स तैरते रहते हैं, और मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर, यानी मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और परागण हो जाता है। इस प्रकार से जल द्वारा परागण संपन्न होता है, या कह लीजिए कि मादा भागों के संपर्क में आकर जल परागण हो जाता है। तो कुछ उदाहरण आपको बता देते हैं जो जल द्वारा परागित होते हैं, अर्थात जल परागित पौधों के कुछ उदाहरण आपको बता देते हैं। जैसे हाइड्रिला जो होता है जलीय पौधा, इसमें जल द्वारा परागण होता है। इलोडिया है, सिरिटोफिलम है, नयाज है, वेलिसनेरिया है, ये आदि पौधे होते हैं जिनमें जल के द्वारा परागण होता है। तो प्रायः देखा गया है कि जल परागण के लिए पुष्पों, परागकणों, वर्तिका, वर्तिकाग्रों आदि में अनेक अनुकूलन हो जाते हैं। जिस प्रकार से मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वायु परागित पुष्प किस तरह से अनुकूलित हो जाते हैं, यानी वायु द्वारा परागित होने के लिए किस तरह से अनुकूलन धारण कर लेते हैं, वैसे ही जल परागण हेतु पुष्प परागकणों, वर्तिकाग्र, वर्तिका आदि इसमें भी अनुकूलन हो जाता है। तो पुष्प इस प्रकार संयुग्मित होते हैं कि उनको परागकण ग्रहण करने में असुविधा नहीं होती है। यानी इस तरह से अनुकूलित हो जाते हैं कि परागकण ग्रहण करने में असुविधा नहीं होती है। परागकण हल्के किंतु इस घनत्व के होते हैं कि जल के उसी तल पर तैर सकें। यानी परागकण कैसे होंगे जल द्वारा परागित होने वाले? हल्के होंगे, ताकि जिस तल पर पुष्प हैं उसके पुष्प के जननांग हैं, पुष्प के भाग हैं, उसी तल जिससे कि मादा पुष्प इनके संपर्क में आ जाएं। अर्थात परागकण हल्के किंतु इस घनत्व के होते हैं कि जल के उसी तल पर तैर सकें जिससे मादा के पुष्प इनके संपर्क में आ जाएं और परागण हो जाए या पॉलिनेशन हो जाए। तो इस प्रकार से जल परागण कि विधि मैंने बताई कि किस तरह से होता है। तो जल परागण का एक उदाहरण आपको बता देते हैं, वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया में किस तरह से परागण होता है आपको बता देते हैं। तो ये जो वेलिसनेरिया होता है, ये डूबा हुआ जल के अंदर उगता है पौधा, और इसके नर व मादा पौधे अलग अलग होते हैं। अर्थात वेलिसनेरिया के जो पौधे होते हैं उसमें नर अलग, पौधा अलग होता है, और मादा पौधा अलग होता है। तो ये एक लिंगाश्रयी होता है। तो जिसमें नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं वो एक लिंगाश्रयी होते हैं। नर पौधे पर लगने वाले पुष्प नर पुष्प या पुंकेसरी पुष्प पतली फीते के आकार की पत्तियों के कक्ष में स्पैडिक्स के रूप में होते हैं। अर्थात जो नर पौधे पर पुष्प लगते हैं उसमें पतली फीते की आकार की पत्तियों के कक्ष में लगते हैं, स्पैडिक्स पुष्प में लगते हैं। पुष्प अपरिपक्व अवस्था में ही पुष्पक्रम से अलग होकर जल के तल पर तैरने लगते हैं। तो जब अपरिपक्व होते हैं, परिपक्व नहीं होते हैं, तभी क्या होता है कि पुष्पक्रम से अलग हो जाते हैं और जल के तल पर तैरने लगते हैं। यहाँ आकर इनके परिदल पुंज खुलकर नीचे की ओर मुड़कर इन्हें जल पर तैरने में सहायता करते हैं। तो जब जल के तल पर आ जाते हैं
तो यहाँ आकर के इनके जो परिदल पुंज होते हैं वो खुलकर नीचे की ओर मुड़ जाते हैं, जिससे ये जल पर तैर सकते हैं, इनको तैरने में सहायता मिलती है। तो मादा अथवा स्त्री केसरी पुष्प अकेले ही मादा पौधों पर लगे होते हैं, और जो मादा होती है या स्त्री केसरी पुष्प होते हैं वो अकेले ही मादा पौधे पर लगे होते हैं, तथा इनका पुष्प वृंत इतना लंबा होता है कि पुष्प जल के ऊपरी तल पर तैरते रहें। ये पुष्प कुछ मोमी होते हैं, अर्थात वैक्सी होते हैं, अतः जल में इस स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है। जल के इस पृष्ठ तनाव तथा वायु के कारण नर पुष्प इतने छोटे छोटे गड्ढों में एकत्रित हो जाते हैं। तो जो गड्ढा बन जाता है इसी में नर पुष्प छोटे छोटे गड्ढों में एकत्रित हो जाते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। और एकत्रित होने के बाद यानी इन गड्ढों में जब नर पुष्प छोटे छोटे पुष्प जिसमें गड्ढों में आकर के एकत्रित हो जाते हैं, तो इसके बाद इनके खड़े पुंकेसर टकरा कर फट जाते हैं। तब क्या होता है कि इनके जो पुंकेसर होते हैं वो टकरा कर फट जाते हैं, और पूर्णतः परिपक्व परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही फटते हैं तो क्या होता है, परिपक्व जो परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। परागण के बाद मादा पुष्पों का डंठल ऐंठने लगता है, और जब परागण हो जाता है तो मादा पुष्प का जो डंठल होता है वो ऐंठने लगता है, सूखने लगता है, और पुष्प जल के अंदर पत्तियों के बीच खींच जाते हैं। इस प्रकार से पुष्प क्या होता है, जल के अंदर पत्तियों के बीच में खींच जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, और आगे चलकर यहीं पर फलों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से वेलसनेरिया में परागण होगा। तो आशा है आप लोगों को जल परागण अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।